वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रैलियां निकालते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो विचार गोष्ठी जो होनी चाहिए कि आखिर हम महर्षि वाल्मीकि जी को क्यों मानते हैं, क्यों उनके साथ जुड़े हुए हैं और आखिर हमारे साथ उनका रिश्ता क्या है, उन तमाम चीजों के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस है, पूरे देश में वाल्मीकि समाज बहुत हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाता है। पूरे देश दुनिया में बहुत मान्यता है इस दिन की और आज महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की पूर्व वेला पर हम ये कार्यक्रम महर्षि के सम्मान में, उनकी याद में ये बुलाइए कि हमने विचार गोष्ठी की, थोड़ी चर्चा करें महर्षि के बारे में, थोड़ी चर्चा करें हमारे अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक, बीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और हमारे वो जो मजदूर वर्ग मेहनत कश जो समाज में रह के मेहनत करते हैं लेकिन उनको जीने भर तक का मुआवजा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, उनका मेहनताना नहीं मिलता। आज जो भारत की ये राजनीतिक दशा जो गलत दिशा में मुड़ गई है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो, इसके लिए हमने आज ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया, साथियों को बुलाया और इसकी एक खास वजह भी थी कि साथी तमाम जितने भी हमारे साथी हैं वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रैलियां निकालते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो विचार गोष्ठी जो होनी चाहिए कि आखिर हम महर्षि वाल्मीकि जी को क्यों मानते हैं, क्यों उनके साथ जुड़े हुए हैं और आखिर हमारे साथ उनका रिश्ता क्या है, उन तमाम चीजों के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए और इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई। और इसके एक और उद्देश्य है कि जो हमारा आगामी दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें भी जो हमारे गठबंधन के घटक साथी हैं वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात यहाँ पर करेंगे, प्रेस के साथियों को विधानसभा चुनावों के विषय में हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बात रखेंगे और हमारे साथी तमाम क्रिश्चियन जी माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे बीच में, साथी तालियां बजा करके। हमारे साथी हिम्मत सिंह जी वो हमारे बीच में हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, बहुजन मूवमेंट चलाते हैं। हमारे साथी विनोद जी हमारे बीच में हैं, हमारे डीडीए के नेता हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।